शांति चौक और बालाजी होटल बिल्कुल सामने ही है क्लस्टर वन का, और यहीं से आप इसका देख सकते हैं ये मेन एंट्रेंस है और नीचे सारा इसका शॉपिंग एरिया है। ये कुछ बड़े बड़े स्टोर्स यहाँ पे डाला, इनका एलिवेशन बहुत खूबसूरत है, आप देख सकते हैं इसका एलिवेशन। क्लस्टर टू और क्लस्टर वन के बीच का रोड है, बैक साइड का जो इसका एंट्री है ना क्लस्टर का, मैं आपको दिखा रहा हूँ, अभी मैं फ्रंट साइड का एंट्री आपको दिखाता हूँ। नीचे ही आपको पूरा रेजिडेंशियल, ये रोड सीधा सीधा हाईवे जा रहा है, ये आप देख रहे हैं, आगे से मैं आपको फ्रंट साइड से दिखाता हूँ। नीचे सारे शॉपिंग्स हैं छोटे मोटे के लिए, वो देखिए ये बिल्डिंग का एलिवेशन है, जो 18 टावर है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। 18 माले के बिल्डिंग के जो इसका एलिवेशन है ना वो इस टाइप का है, बाहर से भी बहुत खूबसूरत दिखता है ये, और बिल्कुल मेन रोड पे बालाजी होटल के सामने ही ये बना हुआ है। ये क्लस्टर वन का मेन एंट्रेंस है, आपको एंट्रेंस लॉबी है हर एक विंग का, ये आप देख सकते हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये एंट्रेंस लॉबी, नीचे से इसका लिफ्ट एरिया, ये इसका स्टेयरकेस है, और बहुत ही बढ़िया डेकोरेटिव। यूएसडी वाले का तो कुछ कहना ही नहीं, इन सब चीज़ों में किसी भी कुछ भी ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं क्वालिटी और डिज़ाइन में। हाय दोस्तों, आज जो मैं फ्लैट दिखा रहा हूँ आपको इस वीडियो में, ये 2BHK की प्रॉपर्टी है, क्लस्टर वन, ये पूनम स्टेट क्लस्टर। USD डेवलपर हैं और काफ़ी इनका अपने आप में एक रेपुटेशन है, मेजर रोड में काफ़ी सारा प्रोजेक्ट उन्होंने बनाया है। ये जो क्लस्टर वन का मैं आपको दिखा रहा हूँ, काफ़ी कुछ काम किया हुआ है यहाँ पे, आप देख सकते हैं L टाइप में सबसे बड़ा जो साइज का 2BHK है ना वो ये है। इसमें दो तीन टाइप के अलग अलग साइज है 2BHK का, ये सबसे बड़ा साइज है, जिसमें आपको मैं पीछे दिखाता हूँ, इसका डाइनिंग का स्पेस ही काफ़ी स्पेशियस दिया हुआ है, और ये इसका ओपन व्यू है, वेस्ट साइड का आपको व्यू मिलता है। ये मैं विंडो के साइड से आपको लिविंग डाइनिंग का एरिया दिखा रहा हूँ, ये लिविंग है और डाइनिंग का एरिया इसका काफ़ी बढ़िया है, इसको कारपेट पूछो। और ये फॉल सीलिंग, झूमर्स, लाइट्स, फैंस, ये सब काफ़ी डेकोरेटिव तरीके से लगा हुआ है। ये एज इट इज़ आपको मिलने वाला है, जो आप फ्लैट देख रहे हैं एज इट इज़ आपको मिलने वाला है। इसका डाइनिंग एरिया भी हॉल के बराबर का स्पेसियस है। अभी मैं आपको किचन दिखाता हूँ, फुल्ली इक्विपमेंट्स किचन बना हुआ है, ये इसका मॉड्यूलर किचन है, अपर कैबिनेट्स हैं और वाटर टैंक का स्पेस, साथ ही साथ ये कैबिनेट्स क्रॉकरी के लिए बना हुआ है, अपर स्टोरेज बना हुआ है, और अंदर ये वॉशिंग मशीन का स्पेस दिया हुआ है, और बाहर एक छोटी सी बालकनी दी हुई है। ये सब कुछ यहाँ पे आपको मिल रहा है, आप यहाँ पे भी चाहे तो वॉशिंग मशीन रख सकते हैं, उसके लिए प्रोविज़न दिया हुआ है। ये इसका किचन का एरिया है, किचन भी पूरा बना हुआ है, यहाँ पे भी कुछ भी आपको खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और 18 माले की बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग क्लस्टर वन 18 माले का बिल्डिंग है, क्लस्टर टू भी 18 माले का ही है, थ्री भी 18 माले का ही है, तो तीन टावर ऑलमोस्ट इसमें 6 टावर ये बनाने वाले हैं। ये इसका कॉमन वॉशरूम है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, काफ़ी बढ़िया स्पेसियस इन्होंने बनाया है। और ये जो फ्लैट है ये 650 प्लस कारपेट है, ये 650 से भी बड़ा कारपेट एरिया है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये साइज़ वैसे भी आप फ्लैट देख के भी एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या साइज़ होगा इस फ्लैट का। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये इसका कॉमन बेडरूम है, कॉमन बेडरूम में भी इसमें करीबन 2 से 3 फुट का बालकनी दिया हुआ है, और बालकनी मास्टर बेडरूम से भी अटैच है, नहीं बड़ी बालकनी दिया हुआ है। इसमें भी आप अपर कैबिनेट्स बना हुआ है, ऊपर स्टोरेज के लिए फर्नीचर आप देख सकते हैं, ये आपको बना बनाया मिल रहा है, ये एज इट इज़ रहने वाला है, ये निकाल के ये नहीं लेके जाएंगे। बिल्डिंग का CC, OC, BMC, वाटर वगैरह सब कुछ आया हुआ है।
टाइटल के हिसाब से एकदम क्लियर टाइटल प्रोजेक्ट है ये। ये मैं मास्टर बेडरूम का वॉशरूम दिखा रहा हूँ आपको। मास्टर बेडरूम में एंट्री करते ही आपको जो वॉशरूम का स्पेस आप समझ लें, उसके बाद फिर मैं अंदर बेडरूम दिखाता हूँ किस टाइप का है बेडरूम भी इसका। इवन जो सबसे बड़ा एरिया है ना, 650 कारपेट एरिया, आप समझ सकते हैं कितना हो सकता है। जनरली 500-600 में फ्लैट 2 BHK बन जाता है। प्राइस इसमें मेरे पास 3 से 4 फ्लैट है सेल करने के लिए। और ये भी आप देखिए, आपको वेस्ट ओपन का व्यू मिलता है, रोड व्यू मिलता है। और इसमें 90 लाख में, 95 लाख में, 1 CR में, 89 में, ऐसा मेरे पास 4 से 5 फ्लैट है इसमें सेल करने के लिए। ये जो फ्लैट है ना, इसको 95 लाख में सेल करना है, 95 लाख में बेचना है। एज इट इज़ किचन में जो फर्नीचर है, और साथ ही साथ ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वार्डरोब पूरा का पूरा फिक्स बना हुआ है, सप्लाई में बनाया हुआ है। तो इसकी भी अपने आप में स्ट्रेंथ है। नीचे भी गार्डन बना हुआ है इसका, बहुत ही ब्यूटीफुल, बच्चों को खेलने के लिए किड्स एरिया बना हुआ है। और भी डिटेल में डाल दूंगा इसका डिस्क्रिप्शन में, प्राइस साइज़ वगैरह, तो वहाँ से देख के भी आप हमें फ़ोन कर सकते हैं प्रॉपर्टी परचेस करने के लिए। मैं पैसेज एरिया दिखा रहा हूँ आपको, जिसका पैसेज है, और पैसेज, लिफ्ट और स्टेयरकेस, ये इसका स्टेयरकेस एरिया है। और ये आप लिफ्ट देख सकते हैं, इसमें एंट्रेंस, लॉबी, मेन एंट्रेंस, ये सब मैं इस वीडियो के बाद आपको दिखाता हूँ दोस्तों। और नेक्स्ट कुछ भी जानकारी हो तो अब मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर पुट कर दूँगा, वहाँ से आप लेके हमें फ़ोन करें, ये प्रॉपर्टी परचेस करने के लिए भी आप हमें फ़ोन करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। एंगल से आपको पूरा का पूरा इसका कॉम्प्लेक्स का व्यू दिखा रहा हूँ, ये आप देख लें। पार्किंग एरिया है इसका, इसका पोडियम पे सारी एमिनिटीज़ है वो आप देख सकते हैं। मैं आपको पोडियम पे जाके एमिनिटीज़ दिखाता हूँ किस टाइप का है। पूरा एमिनिटीज़ का पोडियम के ऊपर बना हुआ है, और अंदर बड़ा सा पोडियम पार्किंग का ग्राउंड लेवल पे। और आप देख सकते हैं ये पजल पार्किंग, 3 लेवल का पजल पार्किंग पूरे में बना हुआ है, देख सकते हैं कई लेयर्स में इन्होंने बनाया है, और काफ़ी बड़ा इनका एरिया है प्रॉपरली। अभी ये नीचे के, जब आप ऊपर आते हो ना, तो ऊपर आपको सारी एमिनिटीज़ मिलता है, जो बच्चों को खेलने का है, ग्रीनरी एरिया है, साथ ही साथ गार्डन है। आपको मैं आगे दिखाता हूँ कितना बड़ा इन्होंने डेवलपमेंट किया है। साथ ही साथ इसके जस्ट नीचे 2 लेवल पार्किंग है इसका, एक ग्राउंड लेवल है, और साथ ही साथ नीचे पजल पार्किंग का पूरा प्रोविज़न किया हुआ है। इसमें मेरे पास काफ़ी सस्ते और अच्छे फ्लैट्स भी हैं, 1 BHK है, 2 BHK है, 3 BHK की प्रॉपर्टी भी है, क्लस्टर 2 और 3 में हमारे पास। 3 BHK इसमें आपको 1.25-1.30, फुली फर्निश्ड अगर है तो 1.35-1.40 तक आपको मिल जाता है। ये इसका पूरा का पूरा एमिनिटीज फ्लोर है।